हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त तेजस्वी शर्मा और आज एक बार फिर मैं आप सबके सामने लाइव हूँ फेसबुक के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से। और आप सबका धन्यवाद बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आप सबने मुझे इतना सारा प्यार और सम्मान दिया और मेरी कोशिश को आप सब इतना सराह रहे, इतना मुझे मोटिवेट कर रहे कि मैं लोगों से, मुझे और बहुत से मैसेज आ रहे हैं कि मैं बात करूं और इस तरह के जितने भी टैलेंट हैं उन सबको जो है आप सबके सामने रखूं, उनसे रूबरू कराऊं, उनसे बात करूं। और आज हमारे बहुत ही खास और हमारे चौथे मेहमान हैं मिस्टर अक्षत सेठ, और ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है दोस्तों। वो क्यों है, इसलिए क्योंकि आप सबको पता कि मैं जेएनयू का छात्र हूँ और जब मैं बीए फर्स्ट ईयर में यहाँ पे आया था जर्मन में, तो मुझे लगा था कि मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली से आता था, एक ऐसे बैकग्राउंड से आता था जहाँ पे इंग्लिश का इतना इम्पोर्टेंस नहीं था। और मैं महर्षि महेश योगी जी के स्कूल से पढ़ा था और वहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा ध्यान, योग, मेडिटेशन, इन तरह की चीज़ों को सीखा, लेकिन इंग्लिश में, नॉवल्स में इस तरह से मेरी ज़्यादा रुचि नहीं थी। और मुझे लगा था कि मैं जर्मन कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। तब अक्षत जी मेरे रूममेट थे और इन्होंने मेरी इन परेशानी को देखा और इन्होंने मुझसे कहा कि तेजस्वी, तुम हिम्मत मत हारो, तुम उसमें इंटरेस्ट जगाओ। मैंने कहा भैया, मेरे से इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं जग रहा, मैं कर नहीं सकता, मैं छोड़ के जाने को तैयार था। शायद ये बात मेरी फैमिली को भी पता नहीं होगी और आज आप सबके माध्यम से लाइव होने की बात भी पता चलेगी। तब अक्षत जी ने मुझे बोला कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और इन्होंने मुझे बैठा के रात में, हम लोग 12 एक एक बजे भी तक पढ़ते थे जब भी इनको वक्त मिलता था, और इन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया और मेरे को नॉवेल्स में आज इतना इंटरेस्ट है पढ़ने में, इंग्लिश बोलने में भी मेरे को इन्होंने पूरी हेल्प की कि आज मैं आप सबके साथ जो है फ्लुएंट इंग्लिश में ही बात कर सकता हूँ। तो इस तरह से इन्होंने मेरा बहुत बड़ा योगदान किया। और दोस्तों, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अक्सर कॉलेजेस में, स्कूल्स में क्या होता है कि हम जो है जो बच्चों को परेशान करते हैं या फिर उनके साथ जो है उनको मोटिवेट नहीं करते, लेकिन अगर अक्षत जी जैसे सभी को रूममेट मिले तो शायद वो भी एक तेजस्वी शर्मा बन सकता है या फिर वो भी अपने इंग्लिश को, अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकता है। तो जो कई सारे हमारे सामने केसेस आते हैं, हरासमेंट के केसेस आते हैं या फिर रैगिंग के केसेस आते हैं कॉलेज में, आप ये समझिए कि मैं जेएनयू में हूँ और मुझे कोई रैगिंग फेस नहीं करनी पड़ी, मुझे किसी तरह की कोई परेशानी फेस नहीं करनी पड़ी। तो ये एक एग्जाम्पल है हमारे लिए। अगर हम सभी जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, अगर वो भी इस चीज को इतना पॉजिटिव लें और अपने जो जूनियर्स हैं उनको, जिसे इन्होंने मुझे गाइड किया, पढ़ाया और आज मैं ऑनर्स कंप्लीट कर पाया केवल इनकी वजह से, तो आप सबसे विनती है कि आप इन चीजों में भी योगदान दें। और आज ऐसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आज आप सबको उनसे मिलवाना चाहता हूँ, आपसे रूबरू करवाना चाहता हूँ, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है दोस्तों, मेरे लिए भी बहुत मोटिवेशन है। आई होप कि आप सबको भी इनसे बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच अक्षत जी कि आपने मेरे को अपना कीमती वक्त दिया कि मैं आपसे थोड़ा बहुत बात कर सकूं और आज अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड फॉलोअर से आप सबको बात करा सकूं। मेरा अक्षत जी आपसे पहला सवाल ये है कि आप जेएनयू से क्या कर रहे हैं और आपको क्या परेशानी है? मैं इस समय आई एम डूइंग माय एमफिल इन मीडिया स्टडीज, दिस इज माय सेकंड ईयर। इस समय मैं डिसर्टेशन लिख रहा हूं, 6 महीने बाद मुझे सबमिट करना है, उसके बाद ये इंटीग्रेटेड एमफिल पीएचडी है, तो उसके बाद होपफुली मैं पीएचडी में माइग्रेट कर जाऊंगा। जहाँ तक आपने परेशानी की बात पूछी, तो 1990 में मेरी बर्थ के बाद मेरे ख्याल से एक साल के अंदर पता चला कि मेरी आंख में वाइट कैटरेक्ट है, सफ़ेद मोतियाँ। उसके बाद पेरेंट्स ने ऑपरेशन कराया, एट द एंड ऑफ द डे जो निकल के आया वो ये था कि मतलब वो ऑपरेशन जो हुआ वो बहुत अच्छा नहीं हुआ, तो उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे मेरे एक आंख जो थी वो परमानेंटली कहीं ना कहीं डैमेज हो गई, हालांकि बाद में उसका कॉर्निया ट्रांसप्लांट वगैरह सब हुआ। तो ये एक आप कह सकते हैं कि मतलब जो एक टेक्निकलिटी मानी जाती है, इम्पेयरमेंट की बात की जाती है, तो एक शारीरिक अक्षमता इसको कह सकते हैं। हालांकि मैं ये कहूँगा कि उस हद तक, जिस हद तक कि मानते हैं, लेकिन मतलब इस अक्षमता ने मेरे को प्रभावित किया है, नो डाउट कई चीज़ें मेरी जिंदगी में प्रभावित की हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस चीज़ ने मेरे को बहुत कुछ करने से रोका है जिंदगी में। मतलब ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरी जिंदगी को पूरी तरह से डिफाइन करती है, ये ऐसा मैं मानता हूँ। जी, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि जाहिर सी बात है, जब आपको ये परेशानी हुई तो समाज में हमको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। अगर आपको किसी प्रकार की अक्षमता है, किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है, तो समाज उस चीज को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता। तो आपके साथ क्या कुछ ऐसा हुआ या फिर समाज ने आपको किस तरह से इस चीज को रिफ्लेक्ट किया, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दोस्तों के साथ इस चीज को साझा करें। देखिए, ये मतलब एक बात होती है, जैसे
मतलब हर चीज के साथ ही होता है, किसी सिर्फ ना सिर्फ मतलब डिसेबल्ड के साथ होता है, बल्कि हमारे समाज में कई तरह की विसंगतियां हैं, चाहे आप रिलीजन के आधार पर देख लीजिए, चाहे कास्ट के आधार पर देख लीजिए, या इस चीज में देख लीजिए, या जैसे पुलिस के बारे में भी कई लोग कहते हैं कि पुलिस ऐसी है, तो पुलिस भी समाज का हिस्सा है, या वो सारे इंस्टीट्यूशन समाज का हिस्सा है। तो ये चीज आपने सही बोली कि समाज में इस तरह की चीजें होती हैं। जहां तक मेरा सवाल है, हालांकि, और ये चीज मतलब मैं कहूंगा कि हाँ, कुछ हद तक समाज में जो शारीरिक अक्षमता है, जो मतलब ये इम्पेयरमेंट है, या जो भी डिफरेंटली एबल्ड है, ये इसके बारे में एक तरह की सेंसिटिविटी बनाए जाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि वो आई भी है, कुछ हद तक आई है, लेकिन डे टू डे में नहीं आई, जैसे हमारी जेएनयू में कुछ हद तक है। जेएनयू एक ऐसा इंस्टीट्यूशन मैं मानता हूँ कि वास्तव में ये बहुत अच्छा एक्सेसिबल, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत एक्सेसिबल कैंपस है, आप कहीं भी आ जा सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि देश में बहुत कम कैंपसेस वास्तव में ऐसे होंगे जो कि मतलब इतना इस तरह से लोग एक्सेसिबल होंगे। जैसे हमारी हॉस्टल में हमें एग्जाम्पल मिलता है कि एक व्यक्ति थे जिनको मतलब पूरा पैरालिसिस था, लेकिन उसके बाद उन्होंने कंप्यूटर साइंस में डिग्री करी। तो ये एक चीज है कि सेंसिटिविटी कहीं ना कहीं आई है, लेकिन और बढ़ाए जाने की जरूरत है। जहां तक मेरा सवाल है, मुझे लगता है कि समाज में, मैंने इस चीज पे कभी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मतलब मैंने एज सच उस चीज को, एक होता ना कि आप बहुत ज्यादा सेंसिटिवली ले लेते हैं, एज सच थोड़ा सा मतलब एक होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, हर जगह आपको कुछ लोग मिलेंगे, जैसा कि मैंने कहा कि समाज में अनेक अनेक तरह की विसंगतियां हैं, हर चीज पे है, और वायलेंस है, हर तरह की चीजें, और हर तरह की दिक्कतें हैं। तो उसमें फिजिकल डिसेबिलिटी में भी कुछ लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि शायद उस तरह से संजीदा नहीं होंगे, लेकिन जैसे एक होता है ना कि लोग आपसे पूछते हैं, जैसे लोग मुझसे जब पूछते हैं तो एक सेंसिटिविटी टाइप की चीज होती है कि जब मतलब एक साइकोलॉजिकल बात कही जाती है कि डिसेबल्ड लोगों से जब आप कहेंगे कि आपको डिसेबिलिटी क्यों हुई, तो वो माइंड कर जाते हैं, इसीलिए मतलब एक स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, आपको उनको नॉर्मल की तरह ट्रीट करना चाहिए। मुझे लगता है इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ, अगर कोई मुझसे पूछता भी, और हजार बार पूछता है, कई लोगों की क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है, मुझे इस बात से कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं उस तरह से। दूसरा, जैसे मेरे पेरेंट्स की बात में कहूँ, तो मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि थोड़ा सा मतलब उनको चिंताएं थी कि कुछ चीजों की, तो वो चाहते थे कि मैं एक ब्लाइंड स्कूल में पढ़ूं। उन्होंने कोशिश की, लेकिन क्योंकि मेरे मतलब मैं टेक्निकली ब्लाइंड कैटेगरी में आता नहीं, मैं लो विजन कैटेगरी में आता हूँ, तो लो विजन के हिसाब से मैंने ये कहा कि मैं अगर अपने दोस्तों के साथ पढ़ पा रहा हूँ, तो मैंने मना कर दिया ब्लाइंड स्कूल में जाने से। और मुझे लगता है कि वो ठीक फैसला रहा, क्योंकि जिंदगी में मुझे ऐसे दोस्त मिले, ऐसे लोग मिले जो कि आराम से आपको मिल जाते हैं, मतलब अगर आपकी किस्मत अच्छी होती है। और मेरे ख्याल से मेरे साथ एक चीज अच्छी रही कि मेरे साथ किस्मत अच्छी रही, शुरू से ही मेरे को ऐसे टीचर्स, स्कूल से ही मेरे को मतलब ऐसे टीचर्स मिले जो कि एजुकेशन में मतलब जो एक एक्सेस वाली समस्या होती है कि आपको स्पेशल अटेंशन की जरूरत होती है, मुझे हमेशा से ऐसे वो भी मिले, और आगे चल के दोस्त भी मुझे ऐसे मिले, तो ये एक मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है, बाकी मैं ऐसा कुछ माइंड नहीं करता। अक्षय जी, मेरा एक सवाल हमेशा अपने मित्रों के लिए और जो योग कर रहे हैं उनके लिए भी रहा है, और खास करके व्यक्तिगत तौर से भी मेरा ये सभी से सवाल रहा है। मैं योग का विद्यार्थी हूं दोस्तों, और मैं योग के बारे में हमेशा एक सवाल लोगों से पूछता हूं कि आपका योग के बारे में क्या राय है, और आपको क्या लगता है कि हम जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, या फिर आप जो आपके जैसी परेशानी किसी को है, तो हमको उनको उनके लिए क्या ऐसे योग में करना चाहिए कि हम भी आपके लिए कुछ कर पाए और आपको योग से जोड़ पाए। जी, देखिए, मुझे लगता है कि योग को लेके मतलब एक तरह की, जैसे कहते हैं बातें, तो बहुत मतलब एक तरह का जो उसकी विजिबिलिटी है वो बड़ी है। मैं खुद एक ऐसी यूनिवर्सिटी से आया हूँ, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं खुद देव संस्कृति यूनिवर्सिटी नाम की एक यूनिवर्सिटी थी, जहाँ पे मतलब इस तरह की चीजें पढ़ाई जाती थी, और मैंने देखा है उस माहौल को। अच्छा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बातें जहाँ बहुत ज्यादा की जाती है, मतलब उसमें एक था कि मतलब मेरे पास एक महिला आई थी, उन्होंने मुझसे कहा कि हम प्राणिक हीलिंग से आपकी आंखें ठीक कर देंगे, और मुझे विश्वास नहीं हुआ, और मुझे जेन्युइनली विश्वास नहीं है कि उस तरह की चीज हो सकती है। अब योग का एक ये एस्पेक्ट है जिसमें आप मतलब यू नो कहते हैं कि हम चमत्कार के जरिए, एक तरफ आप कहते हैं कि एक साइंस है, लेकिन दूसरी तरफ आप कहते हैं कि आप चमत्कार के जरिए ठीक कर देंगे। दूसरा, उसका एक फिजिकल एस्पेक्ट है जो वास्तव में मतलब आप कह सकते हैं कि प्राचीन समय से जो चला आ रहा है, मतलब कहा जाता है कि मतलब उससे काफी सारे फायदे होते हैं। कुछ फायदे साइंस ने भी माना है कि इस तरह की चीजें होती है, क्योंकि मतलब साइंस भी अपने आप में एक डेवलप हुई है, इवॉल्व हुई है, तो हर देश की अपनी एक पद्धति थी, योगा भी हमारी एक पद्धति है, एक लेगेसी है, नो डाउट। हालांकि जो उसमें से मतलब एक जो थियोरी का पार्ट है उसको थोड़ा रिविजिट करने की जरूरत है, मुझे लगता है जो उसमें बहुत ज्यादा बातें होती हैं, बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं कि चमत्कार पे और मतलब मेडिटेशन पे बहुत ज्यादा, मुझे लगता है कि फिजिकल एस्पेक्ट जो है वो उसका इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट है जितना जिम्नास्टिकल एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, उसी तरह योगा भी इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि अगर इसको नॉन आइडियोलॉजिकल तरीके से लाया जाए, इसको एक किसी खास यू नो धर्म से ना जोड़ के, किसी खास वे ऑफ लाइफ से ना जोड़ के, और किसी बहुत एग्रेसिव तरीके से मतलब उस तरह से मार्केट ना किया जाए, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, नो डाउट ये एक बहुत अच्छी चीज है, फिजिकली फिट
मतलब समाज के लिए, और जो मतलब एक होता ही है कि मतलब हर जगह फॉरेन में भी आप देखें तो एक्सरसाइज वगैरह पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, तो योगा मतलब योगा को आपको उसी के समकक्ष रखना पड़ेगा। तो उस हिसाब से ये बहुत अच्छी चीज है, मैंने मतलब व्यक्तिगत रूप से थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश की थी, अनफॉर्चुनेटली थोड़ा उस तरफ रुझान ज्यादा नहीं था, शारीरिक गतिविधियों में उतना जो रुझान नहीं रहा था, मैं उतना सीख नहीं पाया, लेकिन मैं कहूंगा कि हाँ इसको इनकरेज किए जाने की जरूरत है, सही तरीके से इनकरेज किए जाने की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ, बड़ी बड़ी बातों के साथ नहीं। बिल्कुल, हमने अक्षत जी को सुना और सुन रहे हैं, और बिल्कुल दोस्तों मेरी कोशिश रहेगी कि अब मेरे जहाँ भी कॉन्फ्रेंस हो, वर्कशॉप हो, शोज हो, मैं वहाँ पे इन चीज़ों पे भी जोर दूँ, और इस जो भी इस तरह की परेशानी है, जैसे इन्होंने बताया कि धर्म से जुड़कर देखते हैं या फिर इस तरीके का जो व्यवहार है उस पर भी हम थोड़ा सा वर्कआउट काम करने की कोशिश करेंगे। अक्षत जी, आपसे मेरा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और खास सवाल कि आपके अकॉर्डिंग क्या मैसेज है पूरे देश को, सरकार को, मीडिया को, समाज को, कि हम इसमें और किस तरीके से जो है आप सभी के लिए बदलाव आना चाहिए, सोसाइटी में भी, लोगों का मेंटली भी और गवर्नमेंट की तरफ से भी, जिसमें आप सभी को बहुत ही सहायक और हेल्पफुल हो सके। मुझे लगता है, देखिए काफी सारी चीजें हैं, मुझे लगता है एक तो एक्सेसिबिलिटी की बात है सबसे बड़ी बात, जैसे एक चीज ट्रांसपोर्टेशन है, ये सब चीजें हैं, इसमें थोड़ा सा मतलब जो थोड़ा कुछ हद तक लागू भी हुआ है जो होना चाहिए, और अच्छे से कि आपको एक फैसिलिटीज मिले, कंसेशन की फैसिलिटी है कुछ हद तक है, लेकिन उसको अभी बढ़ाया नहीं गया। जैसे मेरी एक शिकायत है, रेलवे मिनिस्ट्री में जो कंसेशन है वो ब्लाइंड मतलब टोटली जो नहीं देख सकते उन तक लागू है, लेकिन लो विजन को उसमें कंसिडर नहीं किया जाता। मुझे लगता है उसको एक जो फिजिकल डिसेबिलिटी है आप उसको एक बाइनरी में नहीं देख सकते, या तो बिल्कुल नहीं देख सकता या अच्छी तरह से देख सकता है, ये मतलब एक जो होता है ना ब्लैक एंड व्हाइट वाली सिचुएशन, ऐसा नहीं हो सकता, बीच में काफी सारी कैटेगरीज हैं, उन कैटेगरीज को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। मेरा यही मानना है कि थोड़ा सा फैसिलिटीज दी जाए, सड़क पार करने के लिए ओवरब्रिज हैं, ये सब चीजें अगर हो तो आपके लिए अच्छा रहता है। मैं व्यक्तिगत रूप से कोशिश करता हूं, मैं सड़क पार करूं, कर भी लेता हूं। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊंगा, जैसे आपने बोला कि मतलब समाज से क्या बात हुई, तो मेरी मदर के साथ एक मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है कि वो मैं थोड़ा डरता था, तो मैं सोचता था कि मतलब मेरे को ना जाना पड़े, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा मतलब मेरे को पुश किया कि मैं ये सब चीजें करूँ, ये छोटी छोटी चीजें, लेकिन एक व्यक्ति के लिए जिसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, चीजें थोड़ा बड़ी हो सकती है, सड़क पार करना भी एक बहुत बड़ी बात हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको सबके लिए एक्सेसिबल बनाना है, सबके लिए अगर मतलब आपकी हर सड़क को बैरियर फ्री बनाना है, तो ओवरब्रिज का कंस्ट्रक्शन, अंडरपास का कंस्ट्रक्शन, जितने आपके इंस्टीट्यूशन हैं, सरकारी विभाग हैं, वहाँ पे बैरियर फ्री जाने के लिए मतलब जो एक सीढ़ियों के अलावा जो ये रैंप वगैरह बनाए जाते हैं, ये सब चीज़ों का कंस्ट्रक्शन, मेट्रो में थोड़ा कुछ हद तक हुआ है मैंने देखा है, उसको भी इम्प्रूव किए जाने की जरूरत है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए जाने की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो मुझे लगता है धीरे धीरे मानसिकता में बदलाव आएगा, आता भी है, और वो एक समय के साथ बात है, मतलब वो कहते हैं कि कई लोग बिल्कुल सेंसिटिव नहीं होते, कई लोग ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं, कई लोग इतना ज्यादा, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं, तो आपको ये है कि समय के साथ आएगा, मुझे लगता है डिसेबिलिटी स्टडीज एज अ स्टडी आपके करिकुलम में हो सकता है, ये एक मतलब आप अपने करिकुलम में अगर इसका एक साइंटिफिक तरीके से इसको रख पाए, तो जिसमें साइकोलॉजी भी इन्वॉल्व हो, थोड़ा सोशियोलॉजी भी इन्वॉल्व हो, हर तरीके से इसको पढ़ाते हुए अगर आप रख पाए, तो मुझे लगता है कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में एक सेंसिटाइजेशन की जो प्रोसेस है उसको ज्यादा। तो दोस्तों आपने अक्षत जी को सुना, और बिल्कुल इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि अगर हम अपने एक्टिविटीज़ में और हमारे जो 11th 12th की बुक हैं या फिर स्कूल्स लेवल से भी डिसेबिलिटी के बारे में अगर हम बच्चों को पढ़ाएं, उसके प्रति उनको जागरूक करें कि वो किस तरह से समाज में उस चीज़ को मदद कर सकते हैं, तो ये भी एक बहुत हेल्पफुल हो सकता है हम सभी के लिए, और जितने भी हमारे देश में लगभग 20% से भी ज़्यादा जो डिफरेंटली एबल्ड लोग रहते हैं उन सभी के लिए ये बहुत अच्छा सुझाव है, और मैं कोशिश करूँगा कि मेरे इस फेसबुक लाइव माध्यम से जो है आप सभी तक ये बात पहुँचे। अक्षत सेठ जी हमारे लिए मोटिवेशन है, हम लोगों के लिए प्रेरणा है, और खास करके दोस्तों मेरे लिए बहुत ही बड़ी प्रेरणा है ये, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से मुझे, मेरे रूममेट थे, और जिस तरह से इन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि आज मैं जर्मन ऑनर्स कर पाया, तो मेरी कोशिश रहेगी फिर मैं आपके साथ, अपने जो है एक नए मित्र के साथ, एक नए दोस्त के साथ आप सबके सामने आऊं, और आप मुझे इतना सारा प्यार दे रहे हैं, मेरी कोशिश को सराह रहे हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मोटिवेट करते रहें, एंड प्लीज डू शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।